हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो PSL पहुंच गया है अपने 16th मैच पर, और ये जो 16th मैच है वो होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। ये जो मैच है वो 27 फरवरी शाम 7:30 बजे खेला जाएगा, और दोनों ही टीम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि दोनों ही टीम्स पॉइंट्स टेबल में 6th पॉइंट्स के साथ चल रही हैं। और अगर हम इनके रीसेंट फॉर्म की बात करें ना, तो रीसेंट फॉर्म भी कहीं ना कहीं आपको इक्वल नज़र आने वाला है। तो ये जो टीम है, दोनों ही टीम्स, चाहे वो लाहौर कलंदर्स हो या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, दोनों ही अपना लास्ट मैच जीत कर आ रही हैं। और जिस तरीके से बैटिंग करके ज़बरदस्त जो इन्होंने स्कोर बनाया है, तो काफ़ी अच्छी और बराबरी की टक्कर कल के मैच में देखने को मिल सकती है। तो ये जो मैच है वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा, और इस वीडियो में मैं आपको हर एक डिटेल बताने वाली हूँ, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, वेदर रिपोर्ट्स, लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन। यहाँ पर हम जानेंगे प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन, और साथ ही आपको मिलने वाला है विनिंग प्रेडिक्शन। तो बिल्कुल भी आपको कहीं नहीं जाना है, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर साथ ही हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इस PSL का टारगेट है हमारा 15 लाख, जिसमें से हम 6 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। और अगर आपका भी ऐसा ही कोई टारगेट रहने वाला है ना कि आपको इतना सारा प्रॉफिट अर्न करना है PSL में, तो आप भी बिल्कुल मत देरी कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। आइए मिलकर बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर और Telegram चैनल पर जुड़ते हैं, तो आपको मिलता है 100% लॉस कवर की गारंटी। विनिंग टारगेट हमारा हर सीरीज़ का फिक्स होता है, उससे कई ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। बॉल टू बॉल गाइडेंस दिया जाता है, हर एक डिटेल बताई जाती है मैच की, और साथ ही आपको मिलती है मार्केट लोड की इन्फॉर्मेशन, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, और यहाँ पर आपके साथ लाइव करण सर जुड़े रहते हैं, जो आपको लाइव गाइडेंस मिलती रहती है। तो आगे चलते हैं और इस मैच की बात कर लेते हैं। ये जो मैच है वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा, और जैसा कि लास्ट मैच जो खेला गया इस सीज़न का, वो लाहौर का जो कल खेला था लाहौर कलंदर्स ने, उसमें आपको समझ में आ ही गया होगा, पहले बैटिंग करके 241 का स्कोर बना दिया। यानी कि बैटिंग पिच है, कहीं ना कहीं बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तो आने वाली है विकेट्स निकालने में। यहाँ पर अगर मैं पिच की बात करूँ, तो 65 मीटर से 80 मीटर की बाउंड्रीज़ हैं, तो ईज़िली यहाँ पर जो चौके छक्के हैं वो लगाए जा सकते हैं और अच्छा स्कोर बन सकता है। डिफेंडिंग यहाँ पर प्रेफरेबल रहता है, साथ ही जैसे जैसे पिच जो है वो पुरानी होती जाती है, स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको स्पिनर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हुए नज़र आने वाले हैं। वहीं पर अगर मैं स्पिनर्स और पेसर्स की बात करूँ, तो इस पिच पर पेसर्स और स्पिनर्स का जो रेशियो है विकेट्स निकालने का, वो कहीं ना कहीं इक्वल रहता है, क्योंकि यहाँ पे पेसर्स निकाल चुके हैं 50% विकेट्स, और वहीं पर स्पिनर्स ने भी 50% विकेट्स निकाले हैं, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आने वाला है पेसर्स और स्पिनर्स में। आगे चलते हैं, और लाहौर कलंदर्स के बी जो लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद के साथ मैच होने वाला है, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों ही टीम्स की बात करूँ, तो इस सीज़न में दोनों ही टीम्स 4-4 मैचेस खेल चुकी हैं ऑलरेडी, और दोनों ही टीम्स जो है ना, वो सिर्फ 1-1 मैच हारी है, बाकी के 3 मैचेस जो है वो जीत कर आ रही हैं। अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करूँ, तो लाहौर कलंदर जो 1 मैच हारी थी, वो हुआ था उनका कराची किंग के साथ, और वहीं अगर मैं यहाँ पर इस्लामाबाद की बात करूँ, तो इस्लामाबाद बाद 1 मैच हारी थी, जो कि हुआ था मुल्तान सुल्तान के साथ। तो इस सब के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले लाहौर कलंदर्स के लास्ट 3 मैचेस की बात कर लेते हैं। लास्ट मैच हुआ लाहौर कलंदर का पेशावर के साथ, जिसमें लाहौर कलंदर 241 का स्कोर बनाती है, जिसको पेशावर चेस नहीं कर पाते, क्योंकि हम सभी को पता है जब रन्स जो हैं वो 190 से पार के बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ओपोनेंट टीम को मुश्किल तो होती है चेस करने में, और 190 से क्रॉस वाला स्कोर ईजिली चेस
नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो स्कोर बना दिया इन्होंने 241, तो कैसे भी चेज ही नहीं होना था। तो पेशावर जो है इस स्कोर को चेज नहीं कर पाती है और ये मैच लाहौर कलंदर्स 40 रन से जीत जाते हैं। उससे पहले लाहौर कलंदर का मैच होता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स 135 तक ही बना पाते हैं और ये मैच लाहौर कलंदर 63 रन से जीत जाती है। थर्ड मैच की अगर मैं बात करूं तो जो मैच लाहौर कलंदर हारी है इस सीज़न में जिसके साथ, वो है कराची किंग के साथ। कराची किंग पहले बैटिंग करती है, 185 का टारगेट देती है, जिसको लाहौर कलंदर चेज नहीं कर पाते और ये मैच कराची किंग जो है वो 67 रन से जीत जाती है। ये यहाँ पे लाहौर कलंदर का ना बेहद बुरा ही दिन रहा होगा, जो यहाँ पर सिर्फ 118 टीम बना पाती है, क्योंकि हो जाता है कभी कभार। लेकिन आप बाकी के अगर तीन मैचेस देखोगे ना तो बहुत शानदार स्टैट्स रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर बनाया है और बहुत ही अच्छी यहाँ पर बॉलिंग परफॉर्मेंस भी लाहौर कलंदर्स का मिला है देखने के लिए। वहीं पर जैसा कि मैंने आपको बताया इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी इस सीज़न में 4 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से एक मैच हारा है वो है मुल्तान सुल्तान के साथ। एक तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान का होम ग्राउंड रहा होगा, शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मुल्तान सुल्तान वहाँ पे 190 का टारगेट देती है, जिसको इस्लामाबाद चेज नहीं कर पाती और ये मैच मुल्तान सुल्तान 52 रन से जीत जाती है। लेकिन हम लास्ट मैच की अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, तो 220 का इसका स्कोर बनाती है इस्लामाबाद, जिसको क्वेटा ग्लैडिएटर चेज नहीं कर पाते, क्योंकि 190 के पार जब भी स्कोर जाता है तो बहुत मुश्किल होता है चेज करना। क्वेटा ग्लैडिएटर 157 पर ही रुक जाते हैं और ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड 63 रन से जीत जाती है। उससे पहले अगर हम मैच की बात करें तो पेशावर पहले बैटिंग करता है, 156 का टारगेट देता है और इस्लामाबाद उसको चेस कर देती है, इस्लामाबाद 6 विकेट से जीत जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही टीम्स रीसेंट फॉर्म की बात करूँ और या फिर इस सीज़न की बात करूँ ना, तो दोनों बराबरी पर चल रही हैं। और यहाँ पर लास्ट मैच देखोगे ना तो इस्लामाबाद भी 200 से पार का स्कोर बनाया है, वहीं लाहौर कलंदर ने भी 200 से पार का स्कोर बनाया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टीम कंपैरिजन की। अगर मैं गद्दाफी स्टेडियम की बात करूं तो गद्दाफी स्टेडियम ने इस सीज़न में तो इनका पहला मैच होने जा रहा है, लेकिन जो इससे पहले मैचेस हुए हैं उसमें से दोनों ही टीम्स ने 10-10 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से लाहौर कलंदर का जो विनिंग परसेंटेज है ना वो आपको नज़र आएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 10 मैच खेले हैं जिसमें से 7 जीते हैं और 3 मैच हारी है। वहीं इस्लामाबाद की अगर बात करते हैं तो इस्लामाबाद ने 10 मैच खेले हैं और उसमें से सिर्फ 5 मैच जीते हैं और 5 मैच हारी है, और एवरेज स्कोर जो है वो आपको कहीं ना कहीं दोनों का बराबरी का नज़र आने वाला है। इस लाहौर कलंदर का रहा है 172 और इस्लामाबाद का रहा है 170 का। हाईएस्ट स्कोर जो लाहौर कलंदर ने बनाया है गद्दाफी में वो रहा है 241, जो कल के मैच में बनाया, और वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 199 का बनाया है। तो कल जब बैटिंग करके अगर जो भी टीम बैटिंग करती है वो यहाँ पर आपको एक अच्छा स्कोर बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स एक अच्छा स्कोर खड़ा करती हैं, साथ ही जो ग्राउंड है वो एक बैटिंग पिच रहने वाली है, तो सपोर्ट तो दोनों को ही मिलने वाला है। आगे बात कर लेते हैं हेड टू हेड की। तो हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो इस सीज़न में तो पहला इनका हेड टू हेड होने जा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर PSL 2022 की बात करते हैं तो लास्ट ईयर इनके बीच में 3 हेड टू हेड हुए थे, जिसमें से तीनों के तीनों मैचेस लाहौर कलंदर जीती थी, इस्लामाबाद एक भी नहीं जीत पाई थी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि कौन सी टीम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि कौन से प्लेयर को पिक करना है, कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप करना है, आगे बात करेंगे। वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो आपको आखिर तक देखनी है। आगे चलते हैं और दोनों ही टीम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जान लेते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मिडिल ऑर्डर और पेसर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं पर जो थोड़ी सी लैक करती है इस्लामाबाद यूनाइटेड वो करती है ओपनर्स में और स्पिनर्स में, यानी कि ओपनर्स और स्पिनर्स जो है ना वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एवरेज हैं। वहीं पर लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स के ओपनर्स भी स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है, साथ ही पेसर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लाहौर कलंदर का जो कहीं ना कहीं लैक पॉइंट है वो है स्पिनर्स के साथ, और स्पिनर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लाहौर कलंदर्स के। हो सकता है टीम किसी चेंजेस के साथ जाए, हो सकता है, और यहाँ पर क्या है ना, लाहौर कलंदर्स को थोड़े से स्पिनर्स पे काम करने की ज़रूरत है। तो अगर लाहौर कलंदर्स
सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो थोड़ी तो मुश्किल होगी, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जैसे 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 मैंने आपको बताया कि पिच जो है वो ड्राई होती जाती है, पुरानी होती जाती है, तो वहाँ पर स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो अगर मैं लाहौर कलंदर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूँ तो फ़कर जमन, मिर्ज़ा ताहिर बैग, सैम बलिंग्स, अब्दुल्ला शाफिक, सिकंदर रजा, हुसैन तलत, डेविड वीजे, राशिद खान, हैरिस रॉफ, जमन खान, शाहीन अफरीदी, ये रहने वाली है लाहौर कलंदर की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अगर टीम इसमें कोई भी चेंजेस करती है तो वो टॉस होने के बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो जाकर अभी ज्वाइन कर लो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टीम जो है ना वो यहाँ पर 4 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स के साथ जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बैट्समैन की बात करूँ तो सबसे पहले फ़कर जमान हिटिंग बैट्समैन हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्कोर बनाते हुए दिखेंगे। लास्ट मैच की अगर मैं बात करूँ तो 45 बॉल्स में 96 रन्स बनाए थे और उससे पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है। मिर्ज़ा ताहिर बैग लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, लास्ट मैच में नहीं चले लेकिन उससे पहले जो है वो कंसिस्टेंट रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक मैच में नहीं चले तो टीम जो है वो ड्रॉप कर देगी, यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस इनसे कल के मैच में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर दिन हर प्लेयर का नहीं होता है। सैम बलिंग्स की बात कर लेते हैं, टीम के विकेट कीपर। अब यहाँ पर टीम ने जो है ना वो चेंजेस किए थे, जैसे कि सैम बलिंग और अब्दुल्ला शाफिक को नया लाया गया था, तो यहाँ पर इनके परफॉर्मेंस से ना काफ़ी टीम जो है वो काफ़ी अच्छी खुश हुई। और यहाँ पर आप दोनों के अगर स्टैट्स देखोगे ना तो अच्छे रन इन्होंने बनाए हैं। सैम बलिंग ने 23 बॉलों में 47 रन बना दिए, वहीं अब्दुल्ला ने 41 बॉल्स में 75 रन। तो मुझे नहीं लगता कि टीम जो है वो यहाँ पर कोई भी चेंजेस करने वाली है, टीम जो है वो इन्हीं के साथ जा सकती है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इन प्लेयर्स को जो टीम ने नए लिए थे उनसे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसकी वजह से ही 241 का टारगेट खड़ा हो गया था कल के मैच में। सिकंदर रजा की बात करें तो टीम के ऑलराउंडर हैं, इनको मैच में बैटिंग तो नहीं दी गई थी लेकिन लास्ट में बॉलिंग दी गई तो उन्होंने 2 ओवर डलवाए गए जिसमें उन्होंने 24 रन दिए और एक भी विकेट नहीं निकाला है। और इनका बैटिंग में भी एवरेज है, बॉलिंग में कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन बैटिंग में एवरेज परफॉर्मेंस दे जाते हैं। हुसैन तलत सेम ऐसा ही रहा इनसे। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो टीम ने इनसे बॉलिंग में 1 ओवर डलवाया जिसमें इन्होंने 1 भी विकेट नहीं निकाला था। डेविड वीजे की बात कर लेते हैं, टीम के ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग में तो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि 2 ओवर टीम ने डलवाए जिसमें उन्होंने 20 रन तो दे दिए लेकिन विकेट नहीं निकाल पाए। साथ ही बैटिंग परफॉर्मेंस में भी कुछ खास नहीं था, 4 बॉलों में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। राशिद खान की बात कर लेते हैं, राशिद खान टीम के ऑलराउंडर हैं और कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो 10 बॉलों में 11 रन लेकिन साथ ही विकेट निकाला था। लेकिन अब आप देखोगे ना तो रन्स की बहुत ज़्यादा देते हैं यहाँ पर, 4 ओवर टीम ने इनसे डलवाए जिसमें उन्होंने 1 विकेट निकाला और 49 रन्स आप देकर आ गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है कि आप रन्स जो हैं वो कम दें। हैरिस रॉफ की बात कर लेते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं टीम के। लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो 1 मैच में नहीं चले हैं लेकिन उसके अलावा जो 2 मैचेस हुए हैं ना उसमें इन्होंने विकेट निकाल कर दिए हैं। 4 ओवर टीम इनसे कराती है तो उसमें आप 1 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कभी कभी नहीं भी। जमन खान राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं टीम के, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 3 ओवर डलवाए गए जिसमें 28 रन दिए इन्होंने और 2 विकेट निकाले थे लेकिन उससे पहले मैच में 1 भी विकेट नहीं निकाला, उससे पहले 1 विकेट निकाला था। तो यहाँ पे कल के मैच में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। शाहीन अफरीदी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, अच्छे प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, डेफिनेटली विकेट निकाल के देंगे और कल के मैच में तो आप इनकी परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि 5 विकेट निकाले, यानी कि 4 ओवर टीम ने इनसे डलवाए उसमें इन्होंने 40 रन दिए और 5 विकेट निकाले थे। तो अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं लाहौर कलंदर्स के पास, कंसिस्टेंट हैं, डेफिनेटली आपको विकेट निकाल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 ओवर है ना वो यहाँ पे राशिद खान, हैरिस रॉफ, जमन खान और शाहीन अफरीदी को मिल सकते हैं, वहीं 1-2 ओवर जो है वो इनमें से कम होके किसी और को भी मिल सकते हैं। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गुरबाज, कॉलिन मुनरो, आजम खां, वेंडर डसन, आसिफ अली, शदाब खान, फ़हीम अशरफ, मुबासिर खान, फजल फारूकी, हसन अली और अब्रार अहमद, ये रहने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11।
और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आगे चलते हैं और गुरबाज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुरबाज जो हैं वो बैट्समैन हैं टीम के, और अगर मैं लास्ट मैच की बात करूँ ना तो बहुत ही बैड लक कि लास्ट मैच में 8 बॉलों में 8 रन बना के आउट हो गए थे। लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट मैच खेला इन्होंने PSL का, इससे पहले वाला जो मैच था इस्लामाबाद का, उसमें इन्होंने 31 बॉल्स में 62 रन्स बनाए थे, अच्छा परफॉर्मेंस था। और कल के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, एक मैच में नहीं चले तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता टीम यहाँ पर कोई भी ड्रॉप करेगी। कॉलिन मुनरो की बात करें तो कल के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, 22 बॉलों में 38 रन्स बना दिए, इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे ओपनर से आप रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। आजम खां ये मन के हैं, मतलब किसी एक दो मैच में फ्लॉप हो जाएंगे, फिर किसी में बहुत एकदम धुआंधार बहुत अच्छी बैटिंग कर देंगे, तो यहाँ पर आप जो है लास्ट मैच में अगर आप देखोगे तो 42 बॉल्स में 97 रन्स बनाकर दिए थे। वैंडर डसन की बात करें तो ये भी नहीं चले, और यहाँ पर इस्लामाबाद ने 4 बॉलों में 1 रन बनाया वैंडर डसन ने, लेकिन उससे पहले जो लास्ट 3 मैचेस की परफॉर्मेंस रही है ना वो बहुत शानदार रही है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर तो रह सकते हैं। आसिफ अली टीम के राइट हैंड बैट्समैन हैं और लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा खेला इन्होंने, 24 बॉलों में 42 रन्स बना दिए। अब यहाँ पर क्या था ना कि अगर गुरबाज और वेंडर डसन नहीं चले तो उनके बदले आजम खां और आसिफ अली चल गए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो टीम के परफॉर्मेंस में। और यहाँ पर अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद 5 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स के साथ जा सकती है। वहीं पर ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं तो शदाब खान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाल लिए थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, 24 रन दिए। और साथ ही फ़हीम अशरफ की बात करूं तो यहाँ पे फ़हीम अशरफ ने 1 भी विकेट नहीं निकाला था लास्ट मैच में, यानी कि पूरी टीम के यही इकलौते ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 1 भी विकेट नहीं निकाला, लेकिन इसके अलावा आप जिन जो भी देखोगे ना सब ने विकेट्स निकाल कर दिए थे। तो सिर्फ लास्ट मैच में फ़हीम अशरफ ने विकेट नहीं निकाला, लेकिन उसके अलावा सारे प्लेयर्स, चाहे वो ऑलराउंडर्स हों चाहे वो बॉलर्स हों, सब ने विकेट निकाले थे। वहीं पर मुबासिर खान की बात करूं तो लास्ट मैच में इन्होंने विकेट निकाला था, लेकिन लास्ट मैच में इनको जो है वो खेलने का मौका नहीं दिया गया था। फजल हक फारिकी की बात कर लेते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लास्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाले, जो टीम नए चेंजेस किए थे तो उसमें ये ऐड किया था टीम ने प्लेयर, तो उसमें इनसे 4 ओवर कराए गए थे, 3 विकेट निकाले और 28 रन इन्होंने दिए थे। हसन अली राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर टीम के लास्ट 2 मैचेस खेल चुके हैं, दोनों मैचेस में कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं, 2 से 3 विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छे विकेट्स निकाल कर आपको देंगे। अब वहीं पर अगर अबरार अहमद की बात करूँ तो टीम ने जो है वो चेंजेस किए थे, यहाँ पर अबरार अहमद को लाया गया था और यहाँ पर टीम ने रुमन रईस का रिप्लेसमेंट किया था। तो यहाँ पर अगर मैं अबरार अहमद की बात करूँ तो लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाल कर दिए हैं, 4 ओवर टीम ने इनसे डलवाए थे। तो वहीं पर अगर मैं 4 ओवर की बात कर लूँ तो अबरार अहमद, अगर टीम जो है वो अबरार अहमद के साथ जाती है तो 4 ओवर इनको दिए जाएंगे, हसन अली फजल फारूकी को भी 4 ओवर दिए जा सकते हैं। तो दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जान ली है, रिसेंट फॉर्म जान ली है, अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कौन सी टीम यहाँ पर किस तरह से रहने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 बैट्समैन के साथ जाएगी, 3 ऑलराउंडर्स के साथ जाएगी और 3 ही बॉलर्स के साथ जा सकती है। टीम अगर इसमें कोई भी चेंजेस करती है तो वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारा प्रॉफिट भी तो अर्न करना है ना, तो बिल्कुल भी देरी मत करो और टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। अगर मैं इस मैच की, इस सीज़न की बात करूं तो इस सीज़न तो एक ही खेला गया है, कल वाला, जिसमें लाहौर कलंदर पहले बैटिंग करती है और पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीत जाती है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा स्कोर भी बनाती है 241 का। लेकिन इस सीज़न की और साथ ही अगर मैं पिछले सीज़न की भी बात करूँ ना तो 21 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 70% मैचेस जीती है और बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम 30%। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ तो साफ है कि बैटिंग करके जो टॉस जीत कर टीम है वो बैटिंग करना प्रिफर करेगी। और यहाँ पर अगर जैसा कि
कल के मैच में हमने देखा लाहौर कलंदर ने 241 का स्कोर बनाया। सेम है, लाहौर कलंदर आज फिर से खेलने वाली है, तो अगर लाहौर कलंदर पहले बैटिंग करती है तो आपको 200 से पार का स्कोर देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद भी बराबरी की टक्कर रखती है। अगर इस्लामाबाद भी पहले बैटिंग करती है तो आप 200 का स्कोर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम का जो एवरेज स्कोर है वो रहता है 179 और सेकंड बैटिंग एवरेज स्कोर जो है वो रहता है 159। यानी कि कल के मैच में आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एवरेज स्कोर जो है ना वो ही 180 है इस पिच पर। तो आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी पिच है जो बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है और यहाँ पे बैट्समैन जो है वो इजीली रन्स बना सकते हैं। तो टॉस प्रेडिक्शन हो चुका है, दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 जान ली है, हेड टू हेड जान लिया है, टीम कंपैरिजन जान लिया है, साथ ही रीसेंट फॉर्म, पिच रिपोर्ट, सब कुछ हमने अभी तक जान लिया है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कौन से प्लेयर्स को पिक करना है और कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप करना है। तो ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर टीम की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वही रहती है तो आप ड्रीम 11 के साथ, ये वाली ड्रीम 11 के साथ जा सकते हो। बट यहाँ पर अगर टीम जो है वो कोई भी चेंजेस करती है अपनी प्रोबेबल प्लेइंग 11 में, तो वो आपको अपडेटेड ड्रीम 11 टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले विकेट कीपर की बात करते हैं, तो विकेट कीपर में हमने लिया है आज़म खान को, और यहाँ पर जो आज़म खान हैं वो एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे एज अ विकेट कीपर, आप अपनी टीम में ले सकते हैं। बैटर्स की बात करूँ तो बैटर्स में जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कॉलिन मुनरो, वेंडर डसन, फ़कर जमान और अब्दुल्ला शाफिक। तो यहाँ पर लास्ट मैच में हमने देखा है कि अब्दुल्ला जो है उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, कॉलिन मुनरो की भी रही, वेंडर डसन अच्छे हैं, लेकिन हाँ कि लास्ट मैच में नहीं चले इसका मतलब ये नहीं है कि हम ड्रॉप कर देंगे, अच्छे रन्स यहाँ पर आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं फ़कर जमन को साथ ही में हमने बनाया है कैप्टन, एक अच्छे रन्स आपको बनाकर कल के मैच में दे सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो ऑलराउंडर्स में हमने पिक किया है शदाब खान, हुसैन तलत और राशिद खान को। कल के मैच में जो लास्ट मैच रहा उसमें भी शदाब खान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका, 2 विकेट्स निकाले थे लास्ट मैच में, फॉर्म में आ चुके हैं, और यहाँ पर आप एक अच्छे बॉलिंग नहीं करके देंगे तो आप इनसे एवरेज स्कोर्स जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पर राशिद खान और हुसैन तलत के साथ भी यही है कि अगर इनकेस अगर ये बॉलिंग में नहीं करते हैं ना, तो आपको बैटिंग में एवरेज स्कोर आपको डेफिनेटली दे सकते हैं। बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉलर्स में हमने लिया है शाहीन अफरीदी, कंसिस्टेंट हैं, डेफिनेटली आपको विकेट्स निकाल कर देंगे, और साथ ही में इनको बनाया है हमने वाइस कैप्टन। अगर हम अबरार अहमद की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया रुमन रहीस की जगह लास्ट मैच में अबरार अहमद को लाया गया था, तो उसमें उन्होंने 2 विकेट्स भी निकाले थे। अब यहाँ पर टीम जो है वो अगर कोई चेंजेस करती है अबरार अहमद को लेकर तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर अबरार अहमद को पिक किया है एज अ बॉलर और ये आपको डेफिनेटली विकेट्स निकाल कर दे सकते हैं। वहीं पर नेक्स्ट बॉलर जो है वो हमने हसन अली को लिया है जो आपको विकेट्स निकाल कर देंगे, यानी कि ये तीनों बॉलर्स जो है ना वो आपको विकेट्स निकाल कर दे सकते हैं, अपनी टीम में ज़रूर पिक करना, ड्रॉप मत करना। आगे चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे मैच की, हमने हर एक डिटेल जान ली है, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, दोनों ही टीम्स के लास्ट मैचेस हों, रीसेंट फॉर्म हो, हेड टू हेड, टीम कंपैरिजन, साथ ही में यहाँ पर दोनों ही टीम्स के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, ड्रीम 11 क्या रहेगी, और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मैच को कौन जीतेगा। अगर मैं इस मैच की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो मैच है ना वो इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर के बीच होगा, 16th मैच PSL का, और इस मैच में जो है ना वो दोनों के ही 50% चांसेस हैं, यानी कि ये जो मैच है वो यहाँ पर बराबरी का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही टीम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि एक टीम वीक है, एक टीम यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये जो मैच है वो आपको बराबरी का देखने को मिलेगा। स्टैट्स हमने समझ लिए हैं कि वेन्यू पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाहौर कलंदर स्ट्रॉन्ग पड़ती है,
प्लेयर्स को हमने जान लिया है, रिसेंट फॉर्म जान लिया है और लाहौर कलंदर ऑलरेडी अपना कल का मैच खेलकर आ रही है। तो लाहौर कलंदर का जो स्कोर था कल के मैच में 241 का देखने को मिला था और अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर लाहौर कलंदर कितने का स्कोर बनाती है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही टीम्स 200 तक का स्कोर बनाने की कैपेबिलिटी रखती हैं, तो कल का मैच जो है ना वो आपको एक हाई स्कोरिंग दिखने वाला है। साथ ही यहाँ पर जो पिच है वो बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, पिच बैटिंग पिच रहने वाली है, तो कल के मैच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप हमारे साथ इस मैच में लाइव जुड़ना मत भूलना और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेना, YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब मिलते हैं आपको इसी मैच के लाइव में, लाइव जुड़ना मत भूलना और एक कल नए प्रेडिक्शन वीडियो के साथ।